वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। यह जो क्वेश्चन है, ये आपका सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। आईएएस प्रीलिम्स के भी हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, पीसीएस के भी हैं, एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है, दूसरा, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाए जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां जो होती थी वह काम में लाई जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी, तो सबसे पहले मनुष्य ने कापर प्रयोग में लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो कालीबंगन राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन कौन सी उक्ति सही है। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अश्वमेध की जानकारी थी इनको, या गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें से पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को पता होगा शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसीलिए गाय जो है इनकी पवित्र नहीं थी। ठीक है, पशुपालन ये लोग उतना नहीं करते थे। ठीक है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1920 में। अगला है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, तो मुद्राएं। ठीक है, अगला है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, हड़प्पा की खोज 1920 में हुई थी, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1920 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और अगर आपसे मोहन जोदड़ो के बारे में पूछे, तो मोहन जोदड़ो 1921 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला, देखिए, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं, ठीक है, और बाकी सब मिला हुआ था। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो लोथल। ठीक है, लोथल जो कि बंदरगाह भी था। अगला पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी की प्राचीनतम संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है, पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है, बिना दुर्ग के एकमात्र मंदिर सिंधु नगर कौन सा था, ऐसा कौन सा सिंधु का शहर था, सिंधु नगर में सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जहां एक भी दुर्ग नहीं मिला है, किला नहीं मिला है, चन्नूदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता की टेरोकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, गाय। ठीक है, अगला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इनकी मुख्य विशेषता शहरी जीवन था। ठीक है, व्यवस्थित शहरी जीवन था। ठीक है, अगला पूछा है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था, तो सिंधु घाटी का। ठीक है, अगला पूछा है
क्योंकि लोथल जो है आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। बाकी मेसोपोटामिया तो ईरान की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता मिस्री है, पारसी फारस की सभ्यता थी। ठीक है, अगला आपसे पूछा है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा कहाँ संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अगला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे, तो पक्की ईंटों से बना होता था यह मकान। ठीक है, और शहरी सभ्यता थी ये। अगला पूछा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ठीक है, अन्नागार, अन्नागार जो है यह सबसे बड़ा था, सबसे विशाल। अगला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी, नगरी सभ्यता, यह सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। अगला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पट्टन नगर कौन सा है, पट्टन नगर कौन सा है, तो लोथल, ठीक है, गुजरात में पड़ेगा इस टाइम पे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, तो दयाराम साहनी। ठीक है, और अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है, पीएस वत्स। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांसे का प्रयोग इस टाइम पे लोग करते थे। ठीक है, अगला पूछा है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो कपास की खेती ये लोग करते थे। ठीक है, अगला पूछा है हड़प्पा के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे या शहरी थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे। खानाबदोश मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, ठीक है, इधर से उधर घूमते रहते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका शहरी थे। ठीक है, शहर में व्यवस्थित जीवन अपना यापन कर रहे थे, पक्की ईंटों के मकान बनाकर रह रहे थे। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय इन लोगों का क्या था, व्यापार होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार होगा। अगला पूछा है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अगला आपसे पूछा है कि सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है, मृतकों का टीला है। ठीक है, अगला आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो आपका लड़काना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो यह आपका दैमाबाद में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्ताकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है, लुहार उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल गार्गी मैत्रेय का घर था, मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते जो है यह किस ग्रंथ से लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से, कौन सा उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को सुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो भारत में वर्ण व्यवस्था जो है यह व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो वैदिक लोग जो थे सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया, कांसा तो सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे तांबे का प्रयोग होने लगा, और वैदिक काल के जो लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता थी और ये लोग तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? संगीत का उद्गम सामवेद से मिलता है हमको। सामवेद को संगीत की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? नहीं था, तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। वे आर्यों के बारे में पूछा है, मतलब हमको ग्रामीण सभ्यता के बारे में पूछा है, ठीक है। वैदिक युग की बात किया है, तो ये लोग नगरों में निवास करते थे, यह वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहते थे, ठीक है। वैदिक काल का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक काल का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद होते थे, क्योंकि यह लोग गायों को पालते थे, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, और उसी से जो दूध प्राप्त होता था या उससे बने हुए जो उत्पाद होते थे, यही इन लोगों का मुख्य भोजन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संबंधों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। आप लोगों को पता होगा 100 साल में बांटा गया था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य था, उसके बाद 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ जंगलों में चले जाते थे, उसके बाद संन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया था कहां से? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? सबसे पहले जौ का प्रयोग इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, बाद में आकर के आया, ठीक है। अगला, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फासिल कहां पाया गया? यह छत्तीसगढ़ में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ही लिखा गया है कि कैसे यज्ञ किया जाता है, चाहे वो राजसी यज्ञ हो या फिर अश्वमेघ यज्ञ हो, ठीक है, उसके बारे में जानकारी हमको यजुर्वेद से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद में जादू टोटके मिलते हैं, और सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, संगीत की जननी है, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति जो होती थी वह राजा का जब चुनाव होता था उसमें शामिल होती थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसकी लिपि जो है वो अभी अज्ञात है, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 59th क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम कहां से हुआ है? सामवेद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ पास बैठना होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहां स्थित है? कहां स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। सॉरी, लोथल के बारे में पूछा है, तो लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है, जो कि बंदरगाह था उस टाइम पे। नेक्स्ट आपसे पूछा है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु के पास थी, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो यह लोग, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता, ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। सामवेद। जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वह कौन थे? तो वह कौन थे? वह विश्वामित्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और रावी नदी इस टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात करना है। तो विषम शब्द देखिए, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यह सब चारों क्या हैं? वेद हैं, ठीक है। और विष्णु पुराण क्या है? आपका पुराण है, ठीक है। तो यह विषम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विशाल स्नानागार ग्रेट बाट कहाँ मिला था? यह मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। एक हमको विशाल स्नानागार मिला है और एक विशाल अन्नागार, दोनों मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की खोज सबसे पहले की थी 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मेल करना है, ठीक है, इसको मिलाना है। देखिए, मोहनजोदड़ो और इधर आपका दिया है ग्रेट बाट, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है आपका? ग्रेट बाट मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। हड़प्पा की अगर बात की जाए बी, ठीक है, हड़प्पा में क्या मिले हैं? स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट। लोथल की अगर पहले बात की जाए, लोथल क्या था उस टाइम पे? पट्टन था एक, ठीक है, तो दो हो जाएगा, ठीक है। तो ए का चार और डी का दो, ऐसा सिर्फ ए में मिल रहा है हमको, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद आपका क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही यह बताया गया है कि कैसे यज्ञ किया जाता है, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो या फिर राजसूय यज्ञ हो या कोई भी प्रकार का यज्ञ हो, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में बता दूं, ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, ठीक है। सामवेद संगीत की जननी है। अथर्ववेद जादू टोनों के बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार और मंत्र बताया गया है? अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार और विशाल स्नानाघर किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलागिर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलागिर क्यों प्रसिद्ध है? तो धौलागिर क्यों प्रसिद्ध है? यह जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख इंद्र थे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो यह व्यापारिक नगर का संकेत देते हैं, ठीक है।
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह है? तो प्रेम विवाह गंधर्व विवाह को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, तो यह बंदरगाह था गुजरात में और यह इसके बंदरगाह होने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो देखिए, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, यह तीनों जो हैं मिलकर के एक वेद त्रयी का वेद त्रयी बनाते हैं। और अथर्ववेद को वेद पहले माना ही नहीं जाता था, लेकिन बाद में, क्योंकि इसमें जादू टोने से संबंधित बातें हैं, बाद में इसको वेद माना गया। ठीक है, तो वेद त्रयी जो हैं इन तीनों को माना जाता है, और किसको नहीं माना जाता है, किसको नहीं माना जाता, तो अथर्ववेद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वह चेनाब के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है ऋग्वेद सभ्यताएं बहुत अधिक स्थित थी। ठीक है, सरस्वती नदी बहुत पवित्र नदी भी थी उस टाइम पे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो लोथल, लोथल जो है वह बंदरगाह था और यहां से सीधे व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा ऐसा मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, और इसमें नौवां मंडल जो है आपका सोम को समर्पित है। ठीक है, अगला, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो यह मालवा जो था वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो यह बनावली से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? तो बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यह उत्तरी काले जो पॉलिश युक्त बर्तन होते थे, वह ऐसे मृदभांड जो हैं, यह द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो यह जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से ऋषभदेव जो हैं वह आपके पहले थे, और सबसे लास्ट में 24वें कौन थे? वह आपके महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, तो यह बौद्धों का है। त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अवधिधम्म पिटक, यह तीनों त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म का है। महावीर की माता का नाम, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ठीक है, तो देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में त्रिरत्न दिए हैं, जिसमें से त्रिरत्न इसमें से पूछा है कि कौन नहीं है, नहीं है की बात किया है। ठीक है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण तो है, सही दृष्टि के बारे में नहीं बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें सभी में विश्वास करते थे। ठीक है, जात व्यवस्था मार सकते हैं, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था, तो यह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? यह दयालु बुद्ध से, ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार महात्मा बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। अगला पूछा है कि तमिल भाषा के शिल्पकारम और मणि मेखमलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए, शिल्पदिकारम और मणि मेखलई नामक जो ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, गौरव ग्रंथ है, यह हिंदू धर्म से है, ठीक है। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? यह चैत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ठीक है, तो संस्कृत का सबसे प्रथम व्याकरणविद, ठीक है, पाणिनी थे, ठीक है। अगला, बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा था? तो कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में इन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था किसके लिए? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के लिए। अगला पूछा है आपसे कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो बौद्ध धर्म के जो थे अनुयायी गौतम बुद्ध, ठीक है, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो यह शाक्य गणराज्य के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन के घटना से है? यह जन्म से है। देखिए, गौतम बुद्ध के कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे जब इनका जन्म हुआ था उसको सांड से दिखाया गया है, ठीक है, तो इसका जन्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, यह कौन कौन से वर्ग थे? तो स्त्रियों को और शूद्रों को अपने साथ जोड़ लिया था, ठीक है, शूद्र को जोड़ लिया था अपने साथ, इसीलिए इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया बौद्ध धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यह शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? यह बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से, ठीक है, उपगुप्त जो थे उनसे प्रभावित होकर के, ठीक है। जब कलिंग का युद्ध हो गया, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो इनका मन विचलित हो गया, तो उपगुप्त जो थे बौद्ध साधु उनसे प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है, जो उस समय का लोकल लैंग्वेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सबसे बाद में लिखा गया, ठीक है? बाम सात पाक्सनी है, ठीक है, बाम सात पाक्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का घटना स्थान क्या है? बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, इसके बुद्ध का ही एक समसायिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म निम्न में से किस प्रकार के मतों पर विश्वास करता था, ठीक है, तो यह जो थे दीन दुखियों से भरी हुई है, यह भी मानते थे, और लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के कारण होते हैं, यह भी सही है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यह भी इनका मानना था। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एलेक्जेंडर और पोरस के बीच की लड़ाई लड़ी गई थी कहां पर लड़ी गई थी, ठीक है,
तो यह झेलम नदी वितस्ता का युद्ध, ठीक है, उस समय पर इसको वितस्ता नामक नदी कही, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, इसलिए इसको हाइडस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। ठीक है, अगला उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें गौतम भिक्षु पूजा करते थे? तो उसको चैत्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म में ही सबसे पहले यह कहा गया कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, अगर इच्छा को छोड़ दिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुद्ध के जन्म और उसके पुनर्जन्म की कहानियां किसमें संकलित है या जातक कथाओं में संकलित है? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे ऐसा एकमात्र ऐसा शासक है जो जैन धर्म और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है, और बिंबिसार की ही हत्या करके इसका जो बेटा था अजातशत्रु वह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता था? बुद्ध के जो पहला प्रवचन था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में। ठीक है, राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेटा था, उसके टाइम पीरियड पर यह आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और यह नागदशक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? यह त्रिमूर्ति कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर का प्रथम शिष्य, तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था उन्हीं का दामाद जमाली था। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? ठीक है, तो दिगंबर। दिगंबर जो है बौद्ध धर्म का ना होकर के किसका है? यह जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली बौद्ध भिक्षु कौन थे? यह पद्म संभव थे। अगला क्वेश्चन वर्धमान महावीर और किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो महावीर को और किस नाम से जाना जाता था? जेना के नाम से जाना जाता था, जिन्न कहा गया था। इन्होंने अपने पूरे इंद्रियों को जीत लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? यह बुद्ध के युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया गया था किसके द्वारा? अशोक मौर्य का जो रुमिनदेही स्तंभ है उसमें अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो यह है कितने आश्रमों को? चार आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, चार आश्रमों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र जो है कपिल मुनि ने, गौतम मुनि ने लिखा है। न्याय सूत्र जो है गौतम मुनि ने लिखा है। अगला क्वेश्चन भारत में जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे भारत में। ठीक है, वैसे तो प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उत्तेजना का काल था। ठीक है, क्योंकि चार वर्गों में हमारा जो समय काल था चार वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, और शूद्रों को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, और धर्म भी
धर्म उत्तेजना का था, इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल मगध ने किया था, जो कि महाजनपद काल का 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर कौन उभरा था? मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ठीक है, त्रिरत्न क्या था? इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, यह सब गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था, वज्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम पर मुकाबला किया था? पोरस। पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था सिकंदर का, झेलम नदी पर, वितस्ता का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? यह किस मुद्रा में अंकित है? तो यह धर्मचक्र मुद्रा में अंकित है, और इसीलिए इसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। जो पहली बार अपना उपदेश दिए थे तो उसको क्या कहते हैं? उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है वह। अगला क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसको अंग कहते हैं। ठीक है, अगला, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अगला, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला। अगला, कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अंगुत्तर निकाय जो है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? महायान और हीनयान में कब विभाजित हुआ था? यह कनिष्क के टाइम पीरियड में विभाजित हुआ था। ठीक है, कनिष्क के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। ठीक है, अगला, जैन धर्म के पहले तीर्थकर तो ऋषभ देव। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह कराद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश जो है। इन सभी जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि इसी चारों में से कौन सबसे प्राचीनतम है, तो मौर्य वंश इसमें से सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह मौर्य जो बौद्ध ग्रंथ थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, इसीलिए बौद्ध धर्म जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ जैन धर्म की अपेक्षा। अगला जो है, अशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो जो तीसरा हमारा बौद्ध परिषद हुआ था वह कहाँ हुआ था? कलिंग में हुआ था। पहला राजगृह अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो यह अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? यह कलिंग युद्ध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? यह प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत भेजा गया था वह कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? ठीक है, पूछा है कि नहीं है तो हिरण को अंकित नहीं किया गया है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जब पराजित कर दिया तो सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिनका एक और नाम है, दो तीन नाम है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, या फिर आप विष्णुगुप्त कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको, यह कौन थे? सबसे पहली बात तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ठीक है, सभी अभिलेखों में किसका प्रयोग किया है? तो इन्होंने मागधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? देखिए, मौर्य वंश से संबंधित कौन नहीं है? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश से ना होगा कि ये कौन थे? यह हर्यक वंश से थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? जो तीसरा बौद्ध परिषद हुआ था कलिंग में, उसकी उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? यह मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अशोक की पत्नी ऐसी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, गांधार जो था उसको कहा जाता है, पहले जो 16 महाजनपद थे उसमें गंधार में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और यह सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने के लिए किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था सबसे पहले? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, जिसको कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यह इनका विद्या केंद्र कौन सा था? तो यह तक्षशिला से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो यह चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यह चले गए थे श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पर इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 182 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो यह कहा गया है अशोक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रयोग करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? ये आए थे पार्थियन के टाइम पीरियड में। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ जो है वह रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था, यह हुआ था आपका सातवाहनों के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? यह लेड से बने होते थे, शीशे से बने होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय यूनानी जो थे, हिंद यूनानी, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई हुई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम बताइए, तो वह था आपका गांधार कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद सबसे पहले शासन किया था सुंग वंश के लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो सिल्क मार्ग पर कुछ समय के लिए अधिकार भी किया था, और यह भारत का एकमात्र शासक था जिसका सिल्क मार्ग पर भी अधिकार था, कनिष्क ऐसा शासक।
था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था, यूनानी रोमन कला का स्थान कहाँ था? तो यह जो था गंधार था। ठीक है, गंधार जो शैली थी उसको स्थान प्राप्त हुआ है यूनानी रोमन कला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाला शक संवत को किसने स्थापित किया था, इसके संस्थापक कौन है? तो कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो शक संवत था उसकी स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत की बात हो रही है, शक संवत की जब भी बात होगी तो कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास आपका कला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष और वसुमित्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार के थे चरक। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध यह चिकित्सक थे। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है चरक संहिता। ठीक है, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ठीक है, मदुरै इनकी क्या थी? राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, अगला आपसे क्वेश्चन है, 205 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल में एक ग्रंथ लिखा हुआ है जीवक चिंतामणि, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? कनिष्क जो है यह कुषाण वंश के महान राजा थे। यह जो है कब हुए थे? यह हुए थे आपके 78 ईस्वी में, जब इन्होंने शक संवत की स्थापना भी थी की थी। ठीक है, शक संवत की स्थापना भी इसी टाइम पे इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा शक काल पर आधारित है। शक संवत शुरू किया था कुषाण ने, उसी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वह था कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने किया था, जो कि मौर्य काल का था। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक जो है वह कनिष्क के टाइम पीरियड के थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, जिसने क्या लिखा है? एक पुस्तक लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखा है किसने? मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले इसके अभिलेखों को पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा था? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? संगम युग का प्रारंभ जो संबंध है वह कहाँ से है? आपका तमिलनाडु से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 209 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका क्वेश्चन है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, मुसिरी। ठीक है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का
मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख जो हमको मिला है, 13वां शिलालेख, ठीक है, उसको उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग के विरुद्ध जो अशोक का अभियान था, ठीक है, कलिंग के विरुद्ध जो अशोक का अभियान था उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो शिलालेख 13वां था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल जो थे, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो यह कलिंग के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध राज्य पर शासन किया? सुंग वंश के लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो गांधार कला जो है वह कुषाण काल में बहुत फली फूली, ठीक है। कुषाण वंश के 215 नंबर क्वेश्चन कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? कनिष्क। कनिष्क जो है वह कुषाण काल का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल राज्य की राजधानी मदुरई थी, ठीक है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक, सातवाहनों में सबसे बड़ा शासक जो था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वह आपको पता होगा कि विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य, या फिर उनको कह सकते हैं कि कौटिल्य थे, ठीक है। तो इसके किसके समकालीन थे यह? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, उनके प्रधानमंत्री थे या गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो गौतम बुद्ध को संरक्षण देने वाला कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। और इसी के टाइम पीरियड में बौद्ध सभा भी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? कुषाण वंश से कौन था? कडफिसियस प्रथम, ठीक है, और इसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि इसका आखिरी युद्ध भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला जो है वो हिंद और यूनानी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक जो है वो सिमुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है? वह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? चंदेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राज वैद्य था? कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक, और जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता भी है। अगला क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से थे? अशोक जो था वो मौर्य वंश का था, बृहदत्त का पुत्र था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? गांधार कला, ठीक है, हिंद यूनानी का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन कि संगम युग का, ठीक है, संगम युग का तोलकी पयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है? तमिल, ठीक है, तमिल में लिखा गया है। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो यह धम्म महात्म का इसने नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। महापदम नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से अपनाया नहीं था, किसको नहीं अपनाया था? तो ए, सत्यमेव जयते को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण माना गया है। अगला क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें कहाँ से मिलती है, इसका विकल्प इसमें सही नहीं है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मास्की अभिलेख से भी मिलती है, और कलिंग पर जो हम अभिलेख है 13वां,
वो कलिंग पर जब उसने आक्रमण किया था तो 13वें अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? तो धनानंद को, ठीक है, जो कि नंद वंश का था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है, ठीक है, और अगर ईरानी, अगर नेपोलियन की बात की जाए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन कि पहला गुप्त शासक कौन था ज्ञात, ठीक है, तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसने गुप्त काल की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और अगर प्रसिद्ध गुप्त शासक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन, किसे माना जाता है? धन्वंतरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर्यभट्ट और ब्राह्मीहीर के सुविख्यात नाम किसके युग से प्रसिद्ध हैं? गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों के आक्रमण के द्वारा यह व्यापार जो है समाप्त हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री का फायान, चीनी यात्री जो फायान था वो किस गुप्त शासक के दरबार में आया था, किस शासक काल के दरबार में भारत आया था? तो जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि भी थी, उसके दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वेन सांग के बारे में पूछा जाए तो वेन सांग जो था वह अभी एक चीनी यात्री था, वह आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है इलाहाबाद के स्तंभ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, यह पूछा हुआ है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासक जो थे राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, यह गलत है, ठीक है, यह कदापि नहीं हो सकता, यह सबके लिए गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है, श्रीगुप्त को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, एक तरह से संस्थापना कौन की थी? पहला शासक श्रीगुप्त को ही माना जाता है। अगर सबसे प्रसिद्ध पहले शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। अगले बात की जाए कि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, गुप्त काल का ही यह था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसके राजकवि थे। अगला क्वेश्चन जो है वह यह है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? दरबारी भाषा, वह संस्कृत थी, ठीक है, और कालिदास जो थे वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है वह यह है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो है वह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वह चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, ठीक है, तो वह कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया। अगला क्वेश्चन कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? तो सबसे पहले इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी सबसे पहले थानेसर थी, उसके बाद इन्होंने कन्नौज कर ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं गुप्तों के सिक्के। अगला क्वेश्चन
आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो नौ रत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वह थे हर्षवर्धन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो वह था महमूद गजनवी का जो गुलाम था, ठीक है, उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बी, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित बौद्ध सभा किसके सम्मान में की गई थी? कन्नौज सभा क्यों की गई थी? तो हुवेन स्वांग की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? देखिए, हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है, बाकी सबकी रचना इसने खुद किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ मिलता है हमको? हमें मिलता है भानुगुप्त का एरर अभिलेख जो है, एरर अभिलेख वहां से मिलता है सती प्रथा का। ठीक है, वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध शासक कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बौद्ध राजा कौन था? ठीक है, तो वह था आपका हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। ठीक है, जिसने हर्षचरित भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आ गया क्वेश्चन, बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? यह किया था धर्मपाल ने। ठीक है, जो कि बिहार में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से शामिल थे। ठीक है, जिसमें बरामिहिर, कालिदास, आर्यभट्ट, धनवंत और बहुत सारे लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरामिहिर कौन था? तो बरामिहिर कौन था? एक खगोलज्ञ था, खगोल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जो सुंग यून है भारत कब आया था? यह 518 ईस्वी में आया था। और उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र आपका बिहार में है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? यह समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने इसको हराया भी था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को एक बार पराजित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला कौन सा सिक्का था? तो वह था आपका रुपाय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण इनको प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकुटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान किसमें है? तो इन्होंने क्या किया था, कन्नड़ काव्य के तीन कवि जो है पंपा, पुन्ना और रान्ना और कैलाश मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसको जानते हैं? मेहरौली का जो अभिलेख है, मेहरौली का अभिलेख जो है उसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि अजंता की गुफाएं निर्मित की गई किसके टाइम पीरियड में? तो किसके टाइम पीरियड में की गई थी? यह आपका गुप्त पीरियड में किया गया था, गुप्त काल में।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है, थलाईपुरम तांबे की प्लेटो के द्वारा। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला, ठीक है, जो कि महाजनपदों में गांधार जो था, गांधार महाजनपद, उस गांधार में यह अवस्थित था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सुंग यून था। अगला क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक को प्राप्त था? ठीक है, किसने महाराजा धीराज की उपाधि ली हुई थी? वह चंद्रगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने चंद्रगुप्त पर विजय प्राप्त की थी, कब प्राप्त की थी? तो 618 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, सॉरी, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की बल्लभी विजय किस शिलालेख में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका नवसारी ताम्रपात्र शिलालेख में। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो जो खारवेल थे वह आपके महामेघवाहन वंश से थे, कलिंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की? 712 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम सफल आक्रमण था यही। ठीक है, सबसे पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया सिंध पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? 738 ईस्वी में चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो यह थे आपके पाल युग के। ठीक है, पाल काल के थे, पाल युग के, जिसमें से धर्मपाल भी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है, और अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, और धर्मपाल इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है वह किसमें लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? क्या नहीं सही है? यह महाराष्ट्र में स्थित है, यह तो सही है, बौद्ध कला से सज्जित है, यह भी सही है। ठीक है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, यह क्या है? गलत है। तो इसका मतलब यह क्या है? सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर आपका कहाँ है? एलोरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला क्वेश्चन, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है,
महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों के शासन काल में हुआ था, पल्लवों के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन है कि किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित की गई थी? तो राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो डंडी दुर्गी या दंती दुर्ग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि एलोरा के ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड में किया गया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने किया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची में थी। और अगला है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो पल्लवों ने किया हुआ था। पल्लवों के 21वें रथ मिलने का स्थान क्या है? तो महाबलीपुरम है। और महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम ने रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासनकाल में हुआ था? यह नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पीरियड में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? यह राजा राज प्रथम थे, ठीक है, चोल शासक थे। और पुहार नगर की स्थापना किस चोल शासक ने की? करिकाल ने की थी। और राजकुमार एल्लाना 205 से 161 ईसा शताब्दी में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित थे? यह कहां से थे? यह चोल वंश से थे। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण बहुत बार क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है एग्जामिनर्स, ये आपका हो जाएगा राजा चोल, ठीक है, राजराज चोल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणतम एशिया को जीता था? तो चोलों ने जीता था, चोल जो थे, ठीक है, ये नौसेना इनकी बहुत ही विशाल थी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजा राज प्रथम, आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने या कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन थी? तंजौर, ठीक है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा सबसे पहले कौन था? राजेंद्र चोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? चोल मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, ठीक है, शैव भक्त होते थे। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? अलबरूनी जो है अरबी भाषा का बहुत ही महान साहित्यकार था। यह भारत किसके टाइम पीरियड में आया था? यह महमूद गजनी के साथ आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं का शासन था? चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रबरदाई ने लिखा था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था? देखिए तराइन के 3 युद्ध हुए हैं। पहला तो 1191 पहला जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, ठीक है। लेकिन दूसरा युद्ध जो हुआ था, ठीक है, दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो यह था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत होती है द्वितीय युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो पहली बार इनको हराया था बघेल भीम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने, ठीक है। और इसने
1025 ईस्वी तक आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। बहुत लूट, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को लूटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है आपको। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट, सही दिया हुआ है आपका। मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, और मोहम्मद बिन चंगेल खां की चढ़ाई तुगलक। देखिए, तो इसमें से आपका सिर्फ पहला वाला सही है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद जो गजनवी था उसी ने सिर्फ सोमनाथ मंदिर को लूटा हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर की लूटपाट में लूटपाट किया था इसने सोमनाथ मंदिर को, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। तो केवल सी, केवल वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासनों के बारे में किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ग्राम प्रशासन के बारे में हमें कहाँ, किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, हमें मिलता है उत्तरामेरूर, ठीक है, अभिलेख में। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर स्थित मंदिर किसने बनवाया था, तो इसमें जो है चारों विकल्प आपको जो दिए गए हैं वो गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, सिंध पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 बीसी में, ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दाहिर के साथ इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, तो किसका था, ये बादामी के चालुक्य जो थे, चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय, और बहुत महान शासक था, इसने हर्षवर्धन को भी एक बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, महेंद्र वर्मन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है आपको, ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, चोल, ठीक है। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसमें हमको चोल जो राजा थे उनके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला जो है हमसे पूछा हुआ है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था, मुल्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है, उसको क्या नाम दिया था, तो उसको स्वर्ण नगरी नाम दिया था, ठीक है, अरबी जो थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख चालुक्य के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और एहोल अभिलेख में ही यह जानकारी मिलती है जिसमें इसने हर्षवर्धन को हराया था और उसके साथ युद्ध का वर्णन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, यह तंजावुर में है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर चोलों ने बनवाया था तंजावुर में, इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कौन से पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी, यह कविराज मार्ग ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, अरबों ने आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था, सबसे पहले किसने बनवाया था, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, पल्लव राजा था, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज था, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध नाम क्या था, तो रथ नाम था इसका। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, एलोरा, ठीक है।
अगला है कि एजेंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्रसिद्ध नाम है? असम। आपसे पूछा हुआ है 365 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था महाबलीपुरम जो मंदिर है? वह नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? ये राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर किसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है? यह किसने बनवाया था कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश से यह बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोणार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव बनवाया था प्रथम ने, ठीक है। अगला, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। ये होल प्रशस्ति का संबंध किसके राजवंश से जुड़ा हुआ है? चालुक्य से। और ये होल प्रशस्ति चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है, पुलकेसिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अगला, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के द्वारा? तो यह कौन थे? पल्लव राजवंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चार सनवतों के प्रारंभ कालक्रम में सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले शक सनवत शुरू किया गया, उसके बाद गुप्त, उसके बाद हिजरी सनवत जो कि मुस्लिमों के लिए है, ठीक है, उसके बाद ग्रिगेरियन कैलेंडर जो कि आजकल हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है, पोप ग्रेगरी के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यह जो हम लोग यूज करते हैं वह ग्रिगेरियन कैलेंडर ही है। हिजरी सनवत जो कि मुसलमानों के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, और गुप्त सनवत जो गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त ने चालू किया था, और शक सनवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? चंदेल राजा किससे संबंधित है? आपके खजुराहो से। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? आपकी बाभियान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? देखिए, सबसे प्राचीन की बात किया है तो पाणिनि सबसे इसमें प्राचीन है, सबसे पहले के हैं, ठीक है। और अगला बात किया है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गांधार शैली का सूत्रपात जो है वह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? कोणार का सूर्य मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कल व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। काल हमको व्यवस्थित करना है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कोलोसियस का पूरा होना यह सबसे पहले हुआ था, उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ, ठीक है, उसके बाद पैगंबर का जन्म हुआ, उसके बाद रूस का जार बना, ठीक है, पीटर महान। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, भारत का वह स्थल या स्मारक कौन है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन ऐसा है जो नहीं है शामिल? तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वह शामिल नहीं है, बाकी यह तीनों जो है यूनेस्को में शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत तो उसके जोड़े बनाना है हमको, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 3421, ठीक है, 3421। अगला क्वेश्चन, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क हैं, कौन सी गुफाएं जो हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ठीक है, मेघदूत जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वर्मा इस समय म्यांमार का, प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था म्यांमार को? म्यांमार को कहा जाता था स्वर्ण भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, संस्कृत व्याकरण के जानकार थे। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला जो है वह क्यों प्रसिद्ध था? यह गांधार कला शैली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और यहाँ पर बौद्धों के लिए ज्ञान उपलब्ध कराया जाता था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता जो है गुप्त काल से है। अगला क्वेश्चन कि आदि मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ मेल बैठाना है हमको, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था पूछा है? कौशाम्बी इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1100 ईस्वी में वह कौन सा निर्मित मंदिर था जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था? ठीक है, त्रिभुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है खजुराहो का चंदेल जो था, खजुराहो का जो मंदिर था वो चंदेल राजाओं ने बनवाया था, यही एक इसमें से सही है। अगला है कि सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची में एक बौद्ध स्तूप है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। ठीक है, अगला है कि पुरुषपुर या पाटलिपुत्र कह सकते हैं, नहीं सॉरी, पुरुषपुर जो है या पेशावर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या है? पेशावर। ठीक है, अगला हमसे पूछा है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम पूछा है, तो सबसे पहले क्या आया था? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद क्या? नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो सबसे पहले चार होगा। ठीक है, उसके बाद दो होगा, चार के बाद दो होगा, उसके बाद एक होगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय पहचान करना है, तो आपका चरक, सुश्रुत और पतंजलि ये बहुत ही अच्छे चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है कि श्री पेरम्बदूर किसका जन्मस्थल है? रामानुजाचार्य का। मिलान करना है। ठीक है, राजवंश के संस्थापकों का दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, या उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, या उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें भारत में बौद्ध धर्मों को रुचि थी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ स्तूप नहीं है पूछा हुआ है, तो कहाँ नहीं है? रांची में स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि बरामिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है? बरामिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित? खगोल विज्ञान से, क्योंकि ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, बरामिहिर एक खगोल शास्त्री थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला। ठीक है, गांधार में था यह। अगला पूछा हुआ है क्वेश्चन कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर श्यामा शास्त्री। ठीक है, बरामिहिर एक खगोलविद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? बिष्णु शर्मा ने किया था। अगला कि भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? ठीक है, अशोक से लिया गया है।
अशोक चिन्ह, ठीक है, नगर कोई कोड, कोझी कोड क्या कहलाता था, कालीकट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। तक्षशिला जो है आपका इस समय आपका पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता, सही मेल नहीं खाता पूछा हुआ है। देखिए, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्वेनसांग आया था, अकबर के टाइम पीरियड में टोडरमल आया था, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में थे, लेकिन विक्रमादित्य चैतन्य नहीं होगा सही। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ पूछा है कि क्या होगा, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होगा, तो मिट्टी की छोटी सी गाड़ी, ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, मिलान करना है, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, पहले का बी, मतलब बृहदेश्वर मंदिर जो है वह कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और दिलवाड़ा का मंदिर जो है राजस्थान का समूह है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान में है, और लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा में है, और हम्पी के स्मारक जो है आपके कर्नाटक में है, ठीक है, हम्पी जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, यह सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बड़ी मेहनत की है फ्रेंड्स, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी जानने पहचानने और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और इसके बाद मैं आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास का वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसा संकलन आपको कहीं और नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, यूट्यूब में आप खोज लीजिएगा, कहीं भी ऐसा संकलन आपको नहीं मिलेगा प्राचीन इतिहास से संबंधित, ठीक है, और इसको ध्यान लगाकर आप लोग पढ़िए। किसी भी एग्जाम में आप लोग जाएंगे, अगर एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।